कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की ओर से जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाया गया था वो मुद्दा था बजरंग दल के बैन का। और बीजेपी का ये मुद्दा वो मुद्दा साबित हुआ जिसने कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दिला दी। और इसकी साफ झलक उस समय भी देखने को मिली जब चुनाव नतीजों के बीच कांग्रेस के दफ्तर में बजरंग बली के वेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। ये जश्न बीजेपी पर तीखा तंज था क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ इस मुद्दे को चुनाव में हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजों में ये साफ हो गया कि बीजेपी का ये दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। कर्नाटक में इस बार का चुनाव बजरंग दल और बजरंग बली पर केंद्रित हो गया था। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का जो वादा किया उससे तो उसे काफी लाभ हुआ और ये नतीजों में साफ तौर पर देखने के लिए भी मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोट लेने में कामयाब भी रही, लेकिन बीजेपी ने बजरंग बली का जो मुद्दा बनाया उसका उसे चुनाव में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कर्नाटक में इस बार मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिया है। दरअसल जब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का ऐलान किया था तो सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि कांग्रेस इस ऐलान से जीतता चुनाव हार सकती है, लेकिन नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने यह ऐलान काफी सोच समझ कर किया था। कांग्रेस को शायद ही समझ में आ गया था कि कर्नाटक के मुस्लिम वोटर इस ऐलान के साथ एक तरफ से उसके साथ आ सकते हैं और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कांग्रेस पार्टी को इस बार करीब 85% से ज्यादा मुसलमानों के वोट मिले हैं और ये पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा वोट है। 2018 में कांग्रेस को मुसलमानों के 78% वोट मिले थे। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के मुताबिक पार्टी ने बजरंग दल पर बैन के ऐलान को काफी सोच समझ कर उठाया था, इसलिए पार्टी की ओर से किसी बड़े नेता ने कभी भी इस पूरे मुद्दे पर आकर डिफेंसिव मोड में कोई जवाब नहीं दिया था। जबकि इसके ठीक उल्टे बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए थे, साथ ही बजरंग दल बैन को सीधे तौर पर बजरंग बली से जोड़ दिया था। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान भले पूरे जोर शोर से बजरंग दल को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजे देखकर ये साफ लग रहा है कि बीजेपी का बजरंग दल वाला मुद्दा बुरी तरह पिट गया।